दोस्तों, मेरा नाम है जिनेद शाह और आप देख रहे हैं लगन टीवी। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीजर में लगने वाला एलईडी बल्ब, जो को आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ये फ्रीजर में लगने वाला एलईडी बल्ब है। 220 वोल्ट बिजली में ये वाला बल्ब ज़्यादा बिजली खर्च करता है और एलईडी कम बिजली खर्च करता है। बिल्कुल इसी तरह फ्रीज़र में भी ये जो 15 वाट का बल्ब आपको नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा बिजली खर्च करता है। और इसके बजाय जो एलईडी बल्ब है, ये बिल्कुल सिर्फ 3 वोल्ट बिजली खर्च करता है। अब हम इन दोनों बल्बों को फ्रीज़र में लगा कर चेक करते हैं कि इनका कैसा रिजल्ट है और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते मैंने हैं। 15 वाट वाला बल्ब फ्रिज में लगा दिया है। चले देखते हैं इसकी कैसा रिजल्ट है। आप देख रहे होंगे ये 100 वाट वाले बल्ब जैसे होता है, इसी तरह ये फ्रीज़र में 15 वाट वाला बल्ब लगता है, जो कि आपको सब नज़र आ रहा होगा। अब इसके बाद हम एलईडी बल्ब लगा कर देखते हैं वो कैसे रिजल्ट देता है। रहे हैं, मेरे हाथ में 3 वाट वाला बल्ब का मौजूद है और मैंने यहाँ पर यह बल्ब लगा दिया है। देख रहे हैं आप कि इसकी रोशनी दूसरे बल्ब से बहुत तेज़ है, जो कि 15 वाट वाला था और ये 3 वाट वाला बल्ब है और इसकी रोशनी उससे ज़्यादा अच्छी है। और बिजली की बचत में भी ये बहुत बेमिसाल बल्ब है। आपको पता होगा कि ये 15 वाट वाला बल्ब जो कि आम बाज़ार में 30 रुपए में मिल जाता है, लेकिन ये जो एलईडी बल्ब है, ये इसकी नस्बत थोड़ा महंगा है, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसलिए ये आपको तरबेरा रेफ्रिजरेशन हाजी में आपको ये बआसानी मिल जाएगा। आप इसे यहाँ से ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।